आज मैं जा रही हूँ काली मसूर की दाल बनाने, जिसे मलिका भी बोलते हैं। अगर आपको छिलके वाली दाल पसंद है तो ज़रूर इसे एक बार बनाएं। चावल और पराठे के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती है। दाल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कटोरी मसूर की साबुत दाल ले ली है। इसको 3-4 पानी अच्छे से धो लिया है और 15 मिनट के लिए मैं इसको भिगो के रख दूँगी साइड में। अब यहाँ तड़का लगाने के लिए मैंने एक प्याज और लहसुन और हरी मिर्च, 1 इंच अदरक, सबको बारीक काट लिया है। कुकर रख दी हूँ गर्म होने के लिए और उसमें डाल दिया थोड़ा सा सरसों का तेल और डाल दूँगी थोड़ा सा इसमें जीरा। जब जीरा अच्छे से चटकने लग जाएगा तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी, प्याज लहसुन अदरक सभी को इसमें मैं ऐड कर दूँगी। उसके बाद मैं इन सबको आधा मिनट के लिए पकाऊँगी। अब ये सारी चीज़ें आधा मिनट के लिए पक चुकी हैं। अब इसमें चॉप्ड किया हुआ मैं टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर को भी आधा मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे। उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच सब्जी मसाला, 1 चम्मच अच्छे कलर के लिए इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल दूँगी। उसके बाद मैं डालूँगी 1/4 चम्मच पिसा हुआ भुना जीरा पाउडर और इन सबको मैं लो फ्लेम पे आधे मिनट के लिए पकाऊँगी। फिर उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल दूँगी ताकि हमारा टमाटर अच्छे से गल जाए। और टमाटर अच्छे से यहाँ पे गल चुका है। अब जो मैंने ये भिगो के साइड में दाल रखी थी इसको मैं इसमें डाल के 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और थोड़ा सा बारीक कटा धनिया डाल दूँगी। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। इसको भी मैं आधे मिनट के लिए इसके साथ पकाऊँगी। उसके बाद इसमें मैं 1.5 कटोरी पानी डालूँगी। ज़रूरत पड़ने पे फिर मैं गर्म पानी इसमें डालूँगी बाद में, जब ये दाल पक जाएगी। और स्वाद अनुसार इसमें मैं नमक डाल दूँगी और कुछ साबुत खड़े मसाले डाल दूँगी, 1 तेज़पत्ता, दालचीनी 1 इंच, बड़ी काली इलायची और 1 चक्रफूल। आप चाहे तो पहले तड़के के समय भी इसे डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे बाद में डालूँ, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और ढक्कन लगाऊँगी तकरीबन 4-5 सीटी आने तक। अब यहाँ पर 4 सीटी लग चुकी है और गैस स्वयं रिलीज होने पर ही इसको हम खोलेंगे। देखिए क्या परफेक्ट हमारी दाल बनके तैयार हो गई है। सावधानी से ही ढक्कन को खोलना है। बहुत ही परफेक्ट हमारी दाल बनके तैयार हो गई है और दाल अभी गाढ़ी है तो इसमें हम क्या करेंगे, गर्म पानी ऐड करेंगे, ठंडा पानी नहीं ऐड करेंगे, ठंडा पानी से स्वाद खराब हो जाता है। तो ये हमारी परफेक्ट दाल बनके तैयार हो गई। आप भी इसे एक बार ट्राई करें अपने घर में। और यह मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। फिर मिलेंगे किसी न्यू रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।